नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। नॉर्मली हमारे पास जब कपल ये प्रॉब्लम लेके आता है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम फीमेल के साथ साथ कुछ मेल के भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि 35-40% ऑफ केसेस में मेल फैक्टर भी पाया जाता है। मेल के तो सिंपल ही टेस्ट हैं, सीमेन एनालिसिस, अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट, जिसमें कि हम हार्मोन चेक करते हैं। सीमेन एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि शुक्राणु कम है, उनकी मोटिलिटी कैसी है या बिल्कुल ही नहीं है। और बाकी दो टेस्ट अल्ट्रासाउंड और हार्मोन से हमें कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी मेल फैक्टर पता चल जाता है, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर शुक्राणु कम है और मोटिलिटी कम है, तो हम सिंपली इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसको कि IUI कहते हैं, वो कर सकते हैं, जिसमें कि सीमन को लैब में वॉश करके डेड स्पर्म्स और पस सेल्स को निकाल देते हैं और हेल्दी स्पर्म्स को यूट्रस में डाल दिया जाता है और प्रेगनेंसी अचीव करी जा सकती है। इन केस शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं है, तो हम गोलियों को चेक करते हैं। टेस्टिस में अगर स्पर्म्स हैं और नस बंद है, तो नस को खोल दिया जाता है और पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकता है। और अगर पीछे ही शुक्राणु कम है, तो हम बायोप्सी की मदद से शुक्राणु ले लेते हैं और फिर ICSI या IVF की मदद से पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अगर आप में से किसी को मेल फैक्टर है, मेल इनफर्टिलिटी है, तो वह हिचकिचाए नहीं, संकोच ना करें, अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं या हमसे आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू।